सबसे पहले हम कोई भी राउंड थिंग्स लेंगे सर्कल लगाने के लिए। इसमें हम ओवल शेप लेंगे इसकी बॉडी की शेप देने के लिए। अब हम विंग बनाएंगे, जैसा एक साइड है उसकी पैमाइश करके वैसे ही दूसरी साइड से बनाएंगे हम, ताकि वे सेम बने। वैसे ही नीचे वाले विंग्स बनाएंगे सेम ही। फिर आइज़, उसके बाद जैसे स्माइली वगैरह। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे विद ब्लैक मार्कर। जितनी हम आउटलाइन को मोटी बनाएंगे, उतना ही जो हम पिक्चर बना रहे हैं उसका गेटअप आएगा। इसके बाद जैसे हम कलर करेंगे, पहले कलर्स को हम किनारे किनारे पर कलर करते हैं। किनारे किनारे पर कलर इसलिए करते हैं ताकि जैसे हम बीच में कलर करेंगे तो कलर वो बाहर ना निकले। जैसे स्ट्रोक्स में कई बार क्या होता है, कलर्स बाहर निकल जाते हैं, तो हमने सबसे पहले ना किनारे किनारे पर कलर करना चाहिए ताकि कलर बाहर ना निकले। और जैसे कि हमने ये येलो कलर किया, अब सिंपल लग रहा है, इसको राउंड दिखाने के लिए हम इसके किनारे किनारे पर ऑरेंज कलर करेंगे ताकि राउंड दिखाई दे और थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। हम जैसे किनारे किनारे पर हम इसमें कलर करेंगे, थोड़ा सा राउंड लगेगा ये। और ऐसे ही इसके बॉडी के पार्ट्स में हम साइड में पहले ऑरेंज कलर करेंगे, उसके बाद येलो के साथ उसको मिक्सिंग करेंगे, जिससे ये हमारी ये जो शेप है राउंड दिखाई दे रही है। कलर्स करते वक्त हमें बिल्कुल हल्के हाथ से कलर करना चाहिए और अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग करना चाहिए हमको। जैसा कि आप देख रहे हो, उसके बाद ये जो पार्ट है बॉडी का, इसमें वाइट छोड़ रखा था हमने, इसमें हम ब्लैक कलर के साथ इसमें मिक्सिंग करेंगे। ब्लैक कलर के साथ मिक्सिंग करने के बाद हम जैसे विंग्स में कलर करेंगे, जो बी बनाई है, पहले हम किनारे किनारे पर कलर करेंगे, ये लाइट ब्लू कलर्स यूज़ कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद इसको अंदर से मिक्सिंग करेंगे। जब भी हम कलर्स करते हैं हल्के हाथ से कलर करना चाहिए और एक एंगल में कलर्स चलाने चाहिए। जैसे हमने किनारे किनारे पर कलर करके एक एंगल में चला रहे हैं, एक ये स्ट्रोक्स में चला रहे हैं हम। जैसे आप वर्टिकल कर रहे हैं तो वर्टिकल एंगल में चलाइए, हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल में चलाइए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितना हल्के हाथ से हम मिक्सिंग करेंगे हमारी पिक्चर उतनी अच्छी बनेगी। उसके बाद हम वाइट पेंसिल कलर के साथ इसमें हम मिक्सिंग करेंगे वाइट के साथ, ताकि ये थोड़ा सा राउंड लगे। जैसे हाईलाइट दिखाने के लिए थोड़ा फेस में हम इसमें वाइट कलर मिक्सिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम विंग्स में कलर करेंगे।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा।